This is interior designer Anushree here, and you are watching Magic Cubes. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी चारकोल शीट्स के बारे में। मार्केट में इन चारकोल शीट्स को चारकोल बोर्ड्स के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये शीट्स इंटीरियर में डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। इन चारकोल शीट्स को हम सीलिंग, टीवी यूनिट्स, बेड बैकबोर्ड्स, वॉल पैनलिंग, पूजा यूनिट, पार्टीशंस और भी कई सारी जगहों पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इन चारकोल शीट्स को अलमारी के ऊपर हाइलाइटर के तौर पर भी लगा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप चारकोल शीट लगवा रहे हैं, उसके ऊपर में या तो आप स्पॉटलाइट दे दीजिए या तो उसे कंसील लाइट से आप कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इंटीरियर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये शीट्स मार्केट में कई सारे पैटर्न्स, टेक्सचर्स, कलर्स, फिनिशेस में अवेलेबल है। चारकोल शीट्स टर्माइट प्रूफ है, मतलब इन शीट्स पर दीमक नहीं लगती है। चारकोल शीट में एक और अच्छी बात ये है कि ये शीट्स वाटरप्रूफ है, इसीलिए आप अपने खराब दीवारों को छुपाने के लिए भी ये शीट का यूज कर सकते हैं। मार्केट में ये शीट्स 8 फिट बाय 2 फिट और 8 फिट बाय 4 फिट, इन दो साइजेस में अवेलेबल है। मार्केट में आपको चारकोल शीट 1 mm से लेकर 6 mm की थिकनेस में मिल जाएगी। चारकोल शीट को हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या प्लाई का बेस देकर भी इन शीट्स को लगाया जा सकता है। चारकोल शीट को लगाने के लिए आप स्क्रू या फेविकॉल दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि आप फेविकॉल का ऑप्शन चूज करते हैं तो फेविकॉल प्रो बॉन्ड ही यूज करें। कंपनी ने खास इसे PVC बोर्ड्स और लैमिनेट्स चिपकाने के लिए ही बनाया है। यदि आप नॉर्मल कोई भी ग्लू यूज़ करते हैं तो बोर्ड के निकलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। अब लास्ट में बात करते हैं हम इनके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, 8 फिट बाय 2 फिट की शीट आपको मार्केट में 2000 रुपये से लेकर तो 3500 रुपये तक मिल जाएगी। चारकोल शीट का प्राइस इन तीन चीज़ों के कारण अलग अलग रह सकता है, वो है थिकनेस, लोकेशन और ब्रांड। थिकनेस मतलब आप कितनी चौड़ी शीट, कितनी मोटी शीट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा लोकेशन, आप कहाँ से शीट खरीद रहे हैं। और तीसरा है ब्रांड, मतलब आप कौन से ब्रांड की शीट खरीद रहे हैं। हर ब्रांड का एक अपना अपना प्राइस होता है, तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आने वाली मेरी सारी इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।